स्वच्छता ग्राही संघ द्वारा पिछले 3 साल से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में व पद के विनियमितीकरण कर राज्य स्तरीय न्यूनतम मानक व मानदेय और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में रविवार को नगर निगम में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष शेषमणि जायसवाल ने बताया कि इससे पूर्व में 2 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष शेषमणि जायसवाल ने कहा, अरे भाई यहीं बैठ जाइए, सब लोग आइए। स्वच्छाग्रही एकता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वच्छाग्रही एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय स्वच्छता जय स्वच्छता। हम लोग स्वच्छाग्रही हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं शेषमणि जायसवाल, जिला अध्यक्ष गोरखपुर। हम लोग 3 वर्षों से लगातार रातों दिन चल के लोगों की गालियां सुन के, हमारी बहनें जो हैं स्वच्छाग्रही, वो तमाम तरह की जो है परेशानियां झेल कर घर से जो है तमाम तरह की उनको बातें सुनने को मिलती थी कि रात में तुम लोग कहाँ जा रही हो, दिन में कहाँ जा रही हो। लोगों को प्रेरित करके शौचालय बनवाए हम लोग। 3 साल हो गया, अभी तक हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला है। इसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हम लोग 2 बार धरना दिए, लेकिन ना ही शासन ना ही प्रशासन हम लोगों का सुनने वाला है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? मानदेय हम लोगों को जो भी ये तय कर दें, 8,000, 10,000, 12,000 जो भी कर दें, कम से कम हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाएगा। हम लोग निश्चित काम चाहते हैं और निश्चित मानदेय चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमको ऐसे ही मानदेय दिया जाए, हमसे काम लिया जाए। और हम बखूबी काम करते हैं, हम लोग दिनों रात चल के काम किए हैं, आपके सामने हैं।